सो हेलो एवरीवन अगेन। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब द बेस्टेस्ट वेदर विथ नो एपीआई की, ठीक है, आपका जार्विस केपेबल हो पाएगा वेदर चेक करने के लिए कि भाई अभी वेदर कितना है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, और वो आपकी लोकेशन के हिसाब से सारी चीज़ें बता देगा भाई क्लाउडी है कैसा है, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा वेदर को फेच करके रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। अभी तक का बेस्ट कोड लिखा है, लेट्स सी कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अभी टेस्ट डॉट टी एक्स टी यहाँ पर दिख रही होगी, मैं यहाँ पे आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ कि सो दैट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम मर्ज करेंगे इसे जार्विस के साथ। सबसे पहले आपको देखो रिक्वेस्ट और BS4 से आपको कुछ इस तरीके से दोनों चीज़ों को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और अभी यहाँ पे करना क्या है आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जो गूगल है ना उसके अंदर हम सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं, तो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप कोड लिख सकते हो, ईजिली लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और कोड ईजिली लिख लीजिए, ठीक है। अब कोड मत चिल्लाइएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या चैट बॉक्स के अंदर कोड मत बोलिएगा, सामने आपका कोड दिख रहा है, ठीक है। पॉज करिए, इसे लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप करके, ओके, क्योंकि बहुत छोटा सा कोड है, इतना बड़ा कोड नहीं है। और मैंने इसे लिख के इसलिए लिख रख लिया है क्योंकि मैं अभी MOZ ऐसे करके लिखा था तो बहुत टाइम लग जाता, ओके। सो यहाँ पे मैं समझा ज़रूर देता हूँ। सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया था, ठीक है, और फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या किया, एक URL बनाया, ठीक है, गूगल का URL बनाया और गूगल में वेदर को क्वेरी की जगह एड्रेस दे दिया, ठीक है, और रिप्लेस कर दिया क्या कि भाई जो ब्लैंक है उसके अंदर प्लस लगा दो, ठीक है। तो इससे करेगा क्या कि वो एक URL में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम यहाँ पे एक यूज़र एग्रीमेंट भेज रहे हैं जिसकी हेल्प से हम कर क्या रहे हैं उसे बेसिकली, कि भाई हम इसे ये बता रहे हैं कि भाई मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझो कि मैं एक मशीन हूँ या रोबोट हूँ। अगर स्टेटस को 200 आता है तो ये सारी चीज़ें भेजो, ID में लोकेशन भेज दो, ठीक है, सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दो, और साथ में क्या करो इन लास्ट, लोकेशन प्रिंट करो, टाइम प्रिंट करो, ठीक है, वेदर प्रिंट करो, टेम्परेचर प्रिंट करो, और वही चीज़ रिटर्न करा दो, ओके। लास्ट में हमने क्या किया कि यहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप बैठ के आराम से लिख लीजिए, मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ, ओके। चलो आई होप आप लोग कर लोगे यार, वीडियो कंट्रोल आपके हाथ में ही है, ओके। सो एड्रेस इज इक्वल्स टू इनपुट, और इधर आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, पहले एक यूज़र से एक इनपुट लिया है, और यूज़र से इनपुट लेने के बाद उसे हमने उस मेथड के अंदर पास कर दिया, और जो भी उससे रिटर्न आ रहा है उसे प्रिंट करा दिया। अब इस कोड को रन करने की बारी है, लेट्स टेक इट एज एग्जांपल, मैं आप लिखता हूँ बेंगलोर कर्नाटका, एंटर करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो इसने बता दिया भाई लोकेशन की जगह इसने थोड़ा सा गलत लिखा है, बट हमें लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेदर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आज का डे, यानी कि आज बिजनेस डे है, टाइम अभी 1 बजे पहले अपडेट हुआ, ठीक है, मोस्टली क्लाउडी, ऑब्वियसली अभी 2 घंटे पहले बारिश हो रही थी, ठीक है, तगड़ी वाली, और यहाँ पे टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो हमें वेदर चाहिए यहाँ पे और टेम्परेचर चाहिए, तो मैं इससे करूँगा क्या, इसको थोड़ा सा अपडेट करूँगा। पहले चीज़ तो मैं यहाँ से हटा दूँगा इसको, इफ वाले को, क्योंकि ये चीज़ मैंने चेक करने के लिए की थी, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, मैं चाहता हूँ कि आप टाइम और लोकेशन वाला फंक्शन यहाँ से हटा दो, ओके, कुछ इस तरीके से, अब वेदर रिपोर्ट में ये दोनों चीज़ें पास कर रहा है, ओके। अब लेट्स मर्ज इट विथ द जार्विस, हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। टेस्ट वाली फाइल में हमेशा ब्लैंक रखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं सारे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकूँ। तो अभी मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा जिसके अंदर मैं सारी चेंजेबल चीज़ें डालता रहूँगा, सो दैट चीज़ें पता चलती रहें आप लोगों को कि भाई ये चीज़ हमने नई बनाई है। तो फिर हम डालने को इसे क्या फीचर्स के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है, फीचर्स के अंदर डाल सकते हैं जहाँ पे हमने ये इंटरनेट वगैरह के लिए डाला था, बट मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के वेदर ऑटोमेशन लिख देता हूँ, न्यू फोल्डर, इसके अंदर लिखता हूँ वेदर अंडरस्कोर चेक, ये हमारा फोल्डर बन गया। इसके अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखते हैं चेक
अंडरस्कोर सॉरी चेक अंडरस्कोर वेदर डॉट पी वाई एंटर, और यहाँ पे हम वही कोड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कोड कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, अभी हमको जार्विस के अंदर इसके मर्ज करना है, तो पहले तो हो सकता है इनपुट के हिसाब से, या फिर आप इसे स्टार्टिंग में भी डालना चाहो वो भी कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में डालना चाहते हो कमेंट कर दो, अभी मेरे को बता देना। ठीक है कि आप स्टार्टिंग में डालना चाहते हो इसे, कि जैसे जब जार्विस ऑन होता है तब वो टेम्परेचर चेक करके बता दे। और कोब्रेन मैंने डिलीट कर दिया क्या? नहीं यार, मुझे डिलीट नहीं करना था, अब मुझे कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस हो गया, ये रहा कोब्रेन। मैंने डेमो ये फाइल क्रिएट की थी जिसको मैंने हटा दिया, इसकी वजह से ये कुछ एक्सप्लेनेशन की फाइल थी, ये मैंने डिलीट कर दी थी। ये मैंने आपको वीडियोस के अंदर समझाया था, राइट। चलो कोब्रेन तो आ गया और यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, तो आपका साइज सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बाकी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। आप डिलीट करना चाहो कुछ एक्स्ट्रा फाइल जो मैंने अभी डिलीट की एक्सप्लेनेशन वाली, उनको बस डिलीट करना, या फिर ज़्यादा छेड़खानी मत करना, एरर वगैरह आने लगेगा। ठीक है, तो लेट्स गो विद द कोब्रेन। ये रहा हमारा कोब्रेन। कोब्रेन में हम क्या करेंगे, फ्रॉम वेदर चेक इम्पोर्ट, नहीं वेदर चेक डॉट चेक वेदर इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट क्या करोगे आप, गेट वेदर बाई एड्रेस। ओके, अभी आ जाइए आप इस वाली लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे, एलिफ यहाँ पे डालिए कि इफ, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ चेक वेदर, ठीक है, चेक वेदर इन आउटपुट टेक्स्ट के अंदर अगर चेक वेदर होगा तो या तो वो पूछ ले कि किस लोकेशन में है, बट ये लेंदी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ चेक वेदर, फिर वो बोलेगा किस लोकेशन का, फिर मैं बताऊँगा। तो इससे बेटर एक काम करते हैं यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, आउटपुट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेक चेक वेदर, और यहाँ पे और टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, बार बार लेंदी हो जाता है टेक्स्ट। ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया उसे, रिप्लेस नहीं किया, रिप्लेस अब हो गया। ठीक है, उससे कोई स्पेस हट गया। चेक वेदर इन ठीक है, चेक वेदर इन बैंगलोर कर्नाटक, ऐसे बोलेंगे हम। ओके, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, रिप्लेस कर दिया, अभी क्या करेंगे, गेट वेदर बाई एड्रेस के अंदर हम उसे पास कर देंगे टेक्स्ट को। ओके, लेट्स रन अवर जावास, जावास वाली फाइल के अंदर चलते हैं और इसे यहाँ पे रन कर देते हैं। Sir, I am online and ready for any commands. Check weather in Bangalore, Karnataka. Okay, I understood. So, देखो हुआ क्या है, ये value return कर रहा है ना, ये वाला आपका, मतलब उसने check कर लिया, ये मत सोचो check नहीं किया। कहाँ गया आपका कोब्रेन, ये रहा कोब्रेन। कोब्रेन में हमने यहाँ पे क्या किया कि गेट तो करा दिया, बट इसका जो रिप्लाई आया ना वहाँ से, वो हमने स्पीक नहीं कराया था। ओके, चलो, सो लेट्स रन नाउ, लेट्स सी। Sir, I am online and ready to take on any task. Check weather in Bangalore, Karnataka. Weather,
mostly cloudy temperature, 23 degrees Celsius. Check weather in Satna, Madhya Pradesh. Weather, cloudy temperature, 27 degrees Celsius. Check weather in Bhopal, Madhya Pradesh. Weather, cloudy temperature, 24 degrees Celsius. Check weather in Dubai. Weather, clear with periodic clouds, temperature, 36 degrees Celsius. Check weather in Rajasthan. Weather, fog, temperature, 26 degrees Celsius. So, alright guys, so ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? I hope आपको पसंद आया होगा, ठीक है? So, जरूर से अपने जार्विस के अंदर ये चीज़ इनबिल्ड करिए, बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएगा आपका जार्विस, ठीक है? So, I hope आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियोज देखते रहना, ठीक है? सपोर्ट करते रहना, कमेंट्स करते रहना, मिलते हैं अगले वीडियो पर। मुझे पता है आपको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाकर अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अतः